वेलकम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिन से जो है बिहार पुलिस सिपाही भर्ती पे मैंने कोई न्यूज नहीं दिया था। तो फ्रेंड, बहुत लोगों का मुझे कमेंट आ रहा था कि सिपाही भर्ती का फिजिकल का रिजल्ट कब होगा, रिजल्ट कब होगा। तो मैंने कुछ जो सूचना मुझे मिली है और मैंने जो बोर्ड से बातचीत की और बोर्ड के पदाधिकारियों से जो मुझे पता चली वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सिपाही भर्ती परीक्षा का जो है फिजिकल का रिजल्ट तैयार हो गया है और जल्द ही होगा जारी। फिजिकल का सारा कैटेगरी वाइज जो रिजल्ट है वो तैयार हो गया है फ्रेंड, और वो जल्द ही जारी होगा। सिर्फ चेकिंग का काम जो है उस पर चल रहा है। ये केंद्रीय चयन परिषद से मिली जानकारी, अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं। उससे पहले फ्रेंड जो है इंटरनेट से ही मुझे ये सूचना मिली है, और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो देखिए फ्रेंड, इंटरनेट से सूचना मिली कि सिपाही भर्ती परीक्षा परिणाम जल्द होंगे जारी। केंद्रीय चयन परिषद के सचिव ने बताया कि सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट लगभग तैयार हो चुका है, चेकिंग का काम चल रहा है, 4 से 5 दिनों में ये पूरा होते ही जारी कर दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि 9900 सिपाही पद के लिए प्रारंभिक परीक्षा एवं शारीरिक परीक्षा पहले ही पूरी कर दी गई है। उच्चतम न्यायालय के आदेश पर यह बहाली लिया जा रहा है। और फ्रेंड, ये जो है जब मैंने फ़ोन किया वहाँ पे जो है केंद्रीय चयन परिषद के जो नंबर है उस पर मैंने फ़ोन करके जानना चाहा कि भाई सर ये रिजल्ट कब तक आ रहा है, तो उन्होंने बताया कि रिजल्ट जो है अंतिम चरण में है और लगभग कंप्लीट हो चुका है। रिजल्ट बना लिया गया है सभी कैटेगरी वाइज का, 4 से 5 दिनों के अंदर में जारी कर दिया जाएगा, जो कि चेकिंग का काम कंप्लीट होते ही 4 से 5 दिनों के अंदर में जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि रिजल्ट जैसे चेकिंग का काम कंप्लीट होगा अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा और पदाधिकारी का साइन होगा और फिर वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा फ्रेंड। तो अब ज़्यादा दिन नहीं है, आप लोग का इंतज़ार जो है वो ख़त्म होने वाला है। आप लोग बहुत इंतज़ार कर लिए, 5 से 6 दिन में रिजल्ट जो है वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर लेट भी हो, चूँकि सरकारी कामकाज है, तो 30 मई तक या फिर जो है 3 तारीख या 4 तारीख तक रिजल्ट अवश्य आ जाएंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ये बहाली हो रही है और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश था कि जल्द से जल्द बिहार में जो है सिपाही का बहाली करना, क्योंकि यहाँ पे पुलिस और पब्लिक के बीच का जो रेशियो था, अनुपात जो रहता है जिसमें कहा जाता है कि इतना पब्लिक पे इतना पुलिस होना चाहिए, वो बहुत अधिक है। और इसी मैटर पे सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई थी, इसीलिए सिपाही भर्ती परीक्षा का पहली बार जो है इतना जल्दी शारीरिक प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट और शारीरिक परीक्षा करा लिया गया और रिजल्ट भी अब जल्द ही प्रकाशित किया जाएगा दोस्त। तो इसके लिए आप लोग अब नई टेंशन लीजिए, और जो भी इससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखिए। इससे आगे मैं आप लोग को बताऊँगा कि इसके मेडिकल प्रक्रिया में क्या क्या होगी और कैसे मेडिकल लिया जाएगा फ्रेंड। तो जो है इसके मैं जल्दी नया उस पर नया वीडियो बनाऊंगा और आप लोग को बताऊंगा। तो फ्रेंड, अगर इस वीडियो को अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए आप लोग जो है, और उस पर कमेंट में कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए फ्रेंड, क्योंकि आप लोग के लिए मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं फ्रेंड। और जल्दी रिजल्ट, आपको विश्वास नहीं है तो आप खुद फ़ोन करके पूछ लीजिए बोर्ड से, वो भी यही बता रहे हैं सबको कि 4 से 5 दिन में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और वेबसाइट आप लोग बार बार चेक करते रहिए, नहीं तो मैं आप लोग को रिजल्ट प्रोवाइड करा दूँगा। थैंक यू फ्रेंड।